शहरी नहीं, गांव में भी मीडिया अपना काम कर रहा है। ग्रामीण मीडिया, जनमिन मीडिया जो जनमिन चीज को दिखाने का प्रयास कर रही है, हम उसको भी धन्यवाद देते हैं और हम उसी का अंग निगरानी में आया कि एक ऐसे से परिवार छूट ना जाए इस मौके पर जिस समय की लॉकडाउन का जो हालात है और उसके घर में चूल्हा नहीं जले। तो हमें इस बात की जानकारी मिली और हमने इस बात के लेकर संज्ञान लिया और इस हालात में हमने एक परिवार से हमारी मुलाकात हो गई। हमको लगा कि नहीं ये सच्चाई है, इसमें हमने इसका चावल का अनाज का बड़ा बड़ा कोठी को भी ढूंढा, कहीं कुछ नहीं मिला। बस बिल्कुल आधा शेर दूध और साग पतवार खा करके लोग पूरा जीवन का यापन करने का जो बात कहा बिल्कुल सच्चाई। आप देख सकते हैं अभी हमारे साथ में बिल्कुल यहाँ पर उन्होंने भी थोड़ा सा सामने में खड़े होकर के हमको कहा, जितेंद्र जी मैं उस परिवार से मिलूंगी और उसके यहाँ मैं अपने से खाना चढ़ा करके आऊंगी। होगा हम लोग हैं, घबराना नहीं है। जो हमारा सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार का जो आपको सुविधा है वो तो आज मिलेगा ही मिलेगा। वो लोग को भी हमने माफ कर लिया है, उन लोगों को भी बता दिया कि कोई भी आदमी भूखा नहीं सोना चाहिए और हम लोग से जो बन पड़ेगा सारा चीज ला करके देंगे। चिंता नहीं करना है, घबराने का जरूरत नहीं है। क्या नाम हो गया बाबू तुम्हारा, क्या करती है तुम? घर में रहती है। और ये साग कौन लाया है? अच्छा, ये बताओ हमको, पढ़ाई लिखाई करती है? जी। किस क्लास में है? सेवन। कौन स्कूल में? तो अभी आपके यहाँ खाना पीना का सामान लेकर के आए हैं अंकल जी साहब, कैसा लग रहा है तुमको? अच्छा। अब मन खुश है ना तुम लोग का? ठीक। धन्यवाद देते हैं, जब तक ऐसे समाज में समाज सेवी से मौजूद है तब तक कोई भी व्यक्ति हम उम्मीद करते हैं कि भूखा नहीं सोएगा। प्रशासन भी मदद कर रही है, समाज सेवा भी मदद कर रही है और हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बनने के लिए तैयार है। इन्हीं बात आप लीजिए। इस परिवार के अलावा इस गांव में कुछ और भी भूखे परिवार थे, उनको भी जो है पंकज जी ने अनाज दिया। बाबा बताइए कैसा लग रहा है ये अनाज मिला आपको, कैसा लग रहा है? क्या उम्मीद है, पेट का भूख मिटेगा? पेट का भूख मिटेगा सर। क्या नाम हो गया आपका? डोमाई ठाकुर। ये टोला का नाम क्या हो गया? गौड़ीगंज। कितना परिवार है आपके घर में? मेरे घर में राशन कार्ड में डीलर देता है अनाज आप लोग को? नहीं, हमको क्या बताया राशन कार्ड के विषय में? पहले राशन कार्ड था, अब बीच में जब राशन कार्ड हम रखा गया इसमें नहीं मिलेगा तुमको। ये पुराना वाला कार्ड में नहीं मिला? नहीं मिला। हमारे बेटा सबको राशन कार्ड नहीं है, हमारे पुतों सबको नहीं मिला है। क्या क्या नाम हो गया? बिजली मंडल। क्या अब चेहरे पर कुछ उदासीपन दूर हुआ? हाँ, हम उस समय आए थे तो बहुत ही हालात हमको भी रहा नहीं गया। क्या नाम हो गया? चलिया देवी। उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो भी आपके परिवार में कठिनाई है वो भी दूर होने की। बहुत तो अच्छा लग रहा है कि खाना बन रहा है, चूल्हा जला है। तो चूल्हा जलाने में योगदान तो आपका ही है ना? हाँ, मेरा योगदान है। मेरा तो यही है, मनसा ही है कि जिस घर में चूल्हा नहीं जल रहा है वहाँ जलाना है, कोई भूखे नहीं रहना है। बाकी सारे अफसर को भी फोन किया गया है, वो लोग भी आ रहे हैं। इन लोग का जो कार्ड वार्ड का प्रॉब्लम है वो सारा निपटाया जाएगा। पंकज जी हमको ये बताइए कैसा महसूस हो रहा है इस पीड़ित परिवार को देखने के बाद, कैसा लगा आपको? देखिए, क्या ये सच्चाई है ना कि ये बनावटी है? नहीं, सच्चाई है। बड़ी दुख की बात है और मैं आपको फिर पुनः दोबारा धन्यवाद देना चाहता हूँ। हाँ। कि आपने ऐसे परिवारों को इस विपदा के घड़ी में चिन्हित करने का काम किया है। हम लोग आपके द्वारा ही ऐसे परिवार को मदद करने के लिए सफल हुए और हमारा टीम जो हमारा वर्क कर रहा है, जो हमारे सहयोगी हैं, हम सबों का एक ही आह्वान है कि हम उस घर में जरूर पहुंचेंगे जहां हमारी जरूरत है, हमारी सहायता की जरूरत है। मैं आज अपने आप को एक खुशहाल व्यक्ति समझता हूं कि मैं किसी के काम आया और मैं विश्वास दिलाता हूं कि
कि आने वाले समय में भी अगर आप लोगों के द्वारा ऐसे परिवार को चिन्हित कर सूचना देने का काम किया जाएगा तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि मैं वहां भी पहुंचकर हर संभव यथासंभव मैं प्रयास करूंगा उस परिवार में खुशहाली लाने का।